मुनावर को बहुत मिस करा भाई मैंने। मुनावर होता तो ये यहाँ तक पहुँचते और पहले लुढ़क जाते मैं स्क्रीन पे देखा था जब मम्मी ऐसे करके बैठी थी। हां पढ़ाए चार बार बैठेंगे आप पूछेंगे आप ये सवाल कहाँ से लाते हो ये सब। तो ट्रॉफी अपने ले जाएंगे घर पे और आते हैं तो लोग छीन लेंगे। ट्रॉफी चाहिए अपने को घर पे लेके जानी है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। जो जो कांग्रेचुलेशंस कह रहा है भाई, बहुत अमेजिंग मैच था और बहुत बहुत क्लोज मैच था। लास्ट में जब 20 रन चाहिए थे मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये हटा दो। मुझे लग रहा था कि एक बार कोई खत्म हो गया गेम और घर जाने का टाइम आ गया। बट दिल में भाई भगवान का नाम लेके चलते थे हम, राम जी का, तो उन्होंने भी सुन ली और वेयर इन द फाइनल्स। फाइनल जय श्री राम के नारे लगे थे लगातार, लगने भी चाहिए भाई। और जोश मिल रहा था हमें ना राम जी के नाम से, जब सारे लोग शोर मचा रहे थे तो बहुत जोश आ रहा था। खासकर थैंक्स टू कुटकुट लास्ट ओवर में भाई, अमेजिंग बॉलिंग, अमेजिंग। ये आज के मैच का ये भाई हमारा स्टार है। नहीं नहीं सभी स्टार है और हमारी टीम का जो सबसे बड़ा स्टार है जो फ्रॉम ओवर 1 टू ओवर 20 फिर सेकंड इनिंग्स तक ले गए हुए आयुष भाई। ये सुपरस्टार है, हम स्टार है अपनी टीम के, तो सुपरस्टार है नो डाउट। अपनी पूरी टीम ही सुपरस्टार है भाई और आज भगवान की दया से थोड़ा बल्ला भी चल गया मम्मी यार की टीम में तो 32 रन मारे भाई। उसका कहीं ये काटना रील वील कटवाना ये वाली छक्के पे आपकी मम्मी का रिएक्शन दिखा रहे थे अभी, आपकी रील वायरल हो गई मैंने डाली थी मम्मी हो गई वायरल। भाई आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए थे जब आपकी मम्मी प्रे कर रही थी कि आपकी टीम जीत जाए, तो वो वाला मोमेंट आपको कैसे लगा? मैंने स्क्रीन पे देखा था जब मम्मी ऐसे करके बैठी थी तो मेरे को ये होगा कि यार ये तो मैच मेरे हिसाब से चला गया, क्योंकि वो जो समर्थ था भाई वो जम रखा था स्टार्टिंग से ओपनर था। और वो कैसी भी कोई भी हमारा माई भाई इतना परफेक्ट बॉलर है भाई, उसकी बॉलों को हमने छक्के छक्के मार दिए इतने सारे, तो मेरे को लगता है जम गया है, इसको किसी तरह आउट करना ही पड़ेगा। और मेरा भाई अंश आ बैठ भाई, ये हमारे इम्पैक्ट बॉलर है। दो बॉलों में इसने एक तरीके से गेम ही चेंज कर दिया। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कशिश भाई आज हमारे हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, बहुत अमेजिंग बॉलिंग इन्होंने करी है। और मैं हर बार इनको बोल रहा था मैंने कि अब विकेट विकेट आएगी और साथ में लड़का विकेट लेता चला गया, तो आई एम सुपर प्राउड ऑफ माय टीम। और इसी यूनिटी के साथ हम कल वाला मैच भी खेलेंगे और होपफुली जीते भी। आप बताएं कैसे जो आपको लास्ट में जो बॉलिंग में दो बॉलें डाली, जो बॉल आपको था कि अब यॉर्कर डालनी और ये समर्थ को आउट करके काफी रन मार देते हो। मैं डगआउट से सेट होकर आया था समर्थ के लिए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से उसे देख रहा था खेलता हुआ, कि वो जो क्रॉस बॉल अंदर आ रही थी उस पर थोड़ा सा खेल नहीं पा रहा था। मूवमेंट तो बॉल बन गई है जिस हिसाब से आपने वो बॉल बोली, पूरा मैच ही आपकी साइड आ गया, वो बॉल आना ही था, हो गई आना ही था, आना ही था। ये लड़का थोड़ा हवा बाज है इसको माइंड मत करना। अगर ऐसे प्रेशर टाइम में सटीक यॉर्कर डालना इतना मुश्किल होता है, लेकिन आपका जो यॉर्कर था बिल्कुल सटीक चला, तो कहीं ना कहीं प्रेशर था या नहीं? मेरा प्रेशर वगैरह कुछ नहीं था, यॉर्कर नहीं था, ये टीम का कॉन्फिडेंस था जो उन्होंने मुझे दिखाया और बुला के डलवाई, बस उस कॉन्फिडेंस ने मेरा माइंड सेट कर दिया। अलविश हमने देखा कि आप थोड़े दौड़ में ना बहुत जब हमारी टीम हार गई थी तो मुझे आपकी चिल्ली की आवाज आ गई मैं इतना मायूस हो गया उस चीज से, मैंने कहा यार हमारे मीडिया वाले भाई इतने दुखी हैं तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। तो वो दुख मेरा आपके लिए था। खाना खा रहे थे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एल्विश भाई के पास आपने कोई और देख लिया, आपने पीछे वाला पढ़ा है। यार मैं बताता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ना अपनी जर्सी पहन के खेल रहा था जिसमें एल्विश और अंबानी लिखा था, तो उसमें ना बैटिंग ही नहीं हो पा रही थी। तो आज बस में आज भी यही पहन बस में मैंने अर्चित को बोला, मैंने कि दे भाई ये टी शर्ट उतार अपनी ना और मुझे दे दे, तो बस में हमारा थोड़ा एक्सचेंज हो गया और मुझे लगा कि आज ये लकी होगा और लकी था अभी देखो नो डाउट, तो उसी का था, ऐसा कुछ नहीं कि सबको पाओ पाओ। कल इस पे आएगा फूफा फैंसी साहब जो काफी कह रहे थे चेंज थोड़ा थोड़ा था, आप उनको लगातार उनके साथ जुड़े हुए थे ग्राउंड में आप थे, लेकिन फैंसी आप आवाज लगातार सुनना चाह रहे थे, क्या था कि जो चाहिए था बिल्कुल एलबी शर्मा की एक आवाज गूंजे और ये मैच जीत कर पाए। मेरे लोग जो है वो मेरी ताकत है और वो जितना हमें प्रेस करते हैं, जितना हमारे लिए चीयर करते हैं, हमारा आत्मविश्वास और बढ़ जाता है, दोगुना हो जाता है। इसलिए मैं बार बार उनको बोल रहा था कि शोर मचाते रहो, और कंपैरेटिवली आज लोग भी काफी ज्यादा थे और पूरा मैच पूरा मतलब भरा हुआ था, तो जब वो शोर मचा रहे थे तो हमने एक कॉन्फिडेंस की किरण आ रही थी जिसके चक्कर में मुनावर को बहुत मिस करा भाई मैंने। मुनावर होता तो ये यहाँ तक पहुंचते भी नहीं और पहले लुढ़क जाते हैं।
मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हम कितने रन से 16 रन से जीते ना, बहुत नैरो है, तो मैं आपकी एकेडमी में आऊंगा सीखने के लिए, तो आप मुझे सिखाना, फिर हम लंबे लंबे फासले से जीतेंगे। अच्छा, मन की राज मतलब बात जानना चाहेंगे, आपसे बात पूछते इसका क्या कारण है, इसे एनर्जी क्या आ रही है, इसे आप अटैक कहते हो? इसके राज है रीज एनर्जी, अटैक तो मैंने करा ही है, रीज एनर्जी अटैक करूंगा तो फिर क्या होगा, गलत हो जाएगा भाई, काटते रहो रील वील जितनी चलती रहे, चलते रहने दो भाई, सारी चीजें हरियाणवी इंटर का शोर मचा दो। भाई हर बारी की तरह मैं बोलना चाहूंगा कि जो मेरे लोग हैं, जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, उनकी दुआएं थी, उनकी ब्लेसिंग्स थी, जिसके चक्कर में आज हमारी टीम जीती, और मैं चाहूंगा कि आगे भी ऐसे प्यार बनाए रखें, सपोर्ट रखें और चीयर करते रहे हमारे लिए और हरियाणा इंटर्स फॉर द विन। क्या आपकी योजना है जो मतलब भाई बताऊ भाई, कल कल की योजना है, मैं सुबह उठूंगा, फ्रेश होएंगे, फिर ब्रश व्रश करेंगे, उसके बाद आपके साथ बैठेंगे, आपसे पूछेंगे आप ये सवाल कहाँ से लाते हो, ये सवाल पहले भाई का देखो, जिस टाइम पे मुझे ओवर दिया था, मुझे इतना पता था कि वहां पे ओवर खाली निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था, ताकि उनका टीम पे प्रेशर बने, एंड मैंने जितने भी गेम खेले अपनी टीम के लिए खेले हैं, एंड मेरे कैप्टन ने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया है, तो मुझे उस ट्रस्ट के लेकर मुझे अपना वो पूरा करना था, वो मैं कर रहा हूँ, और पर्पल कैप तो यार देखो रिजल्ट है, वो तो अपने आप आ रहा है, वो मेरा गोल नहीं है, मेरा गोल है टीम जीते। वैसे भाई आपने बोला था कि दो बार पानी पिलाऊंगा मैच से पहले, तो किसको बुलाया? अरे तो याद दिला दी तुमने, मैं अभी भी ला के आता हूँ। कल की देखो लखनऊ से एक मैच हम जीते, एक मैच आ रहे हैं कल, ये भी हो जाएगा, अपना बदला सा भी पूरा हो जाएगा, कल ये भी कल की सीरीज ट्रॉफी आएगा, इस चीज अगर हम जीतते हैं तो ट्रॉफी अपने ले जाएंगे, घर पे अगर हारते हैं तो छीन लेंगे, ट्रॉफी चाहिए अपने को, घर पे लेके जानी है बात।